तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आप किस तरीके से अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको अपने गेम प्ले में और अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बता दिया, जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को आप यूज़ करके अपने मूवमेंट स्पीड को और अच्छी तरीके से इंक्रीज करने लगो। सो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके मूवमेंट स्पीड के रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम मूवमेंट स्पीड के कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैंने इसके बारे में अपनी पिछले वीडियोस में बताया था, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी उनके लिए एक बार बताया देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करना है, तो देन उस टाइम आपकी मूवमेंट स्पीड आपके हैंड स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अगर आपको अपने हैंड स्पीड को और अच्छे तरीके से इंक्रीज करना है, तो देन आप सिंपली पाउडर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप पाउडर का यूज़ करोगे तो देन उस टाइम आपके स्क्रीन का और आपके फिंगर का जो टच रिस्पॉन्स होगा वो और अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप थंब स्लीव का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप थंब स्लीव का यूज़ करोगे तो देन उस टाइम आपके फिंगर की जो मूवमेंट होगी वो और अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपको हैंड स्पीड के बारे में और डिटेल्स में जानना है, तो वो वाले वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। तो देन उसके बाद अभी हम ये जान लेते हैं कि आप किस तरीके से अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे जो पहली टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में बात की जाए तो आप केली या फिर जोसेफ कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप केली कैरेक्टर का यूज़ करोगे तो आपकी जो मूवमेंट स्पीड होगी वो 6% तक परमानेंट इंक्रीज हो जाएगी। या फिर जब भी आप जोसेफ कैरेक्टर का यूज़ करोगे और कोई एनिमी आपको डैमेज देगा, तो देन उस टाइम की जो मूवमेंट स्पीड होगी वो 18% तक इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो उसके बाद हमारे जो सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है सेंसिटिविटी। तो आपकी सेंसिटिविटी आपके मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, मेरी जो सेंसिटिविटी है मैं पहले 0 कर देता हूँ। जैसे मैं अपनी सेंसिटिविटी को 0 कर देता हूँ, तो देन मेरे स्क्रीन की जो मूवमेंट है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। जैसे मैं अपनी सेंसिटिविटी को हाई कर देता हूँ, तो देन मेरे स्क्रीन का जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होने लगता है। इसलिए आप अपनी जो सेंसिटिविटी है उसे हमेशा हाई रखा करो। और अगर आपको सेंसिटिविटी के बारे में और डिटेल्स में जानना है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वो वाला वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपकी सेंसिटिविटी के रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो आप। तो देन उसके बाद हमारा जो थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है प्ले सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलोगे तो आपके सामने 4 बंदे होंगे, और उन 4 बंदों को आप एक जगह रह के तो मार नहीं सकते। इसलिए आपको हमेशा अपनी जो पोजीशन है उसे हमेशा चेंज करनी पड़ेगी, मतलब आपको हमेशा अपने मूवमेंट स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला करो, इससे आपकी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज होगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपने गेम प्ले में भी और अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद हमारे जो फोर्थ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है फायर एंड रन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब भी हम शॉटगन का यूज़ करते हैं तो देन उस टाइम हमारा जो कैरेक्टर है वो एक जगह अटक जाता है, मतलब 2 गोली मारने के बाद हमारा जो कैरेक्टर सिर्फ एक जगह रहता है। इसका फायदा लेके सामने वाला एनिमी हमें बहुत ही इजी तरीके से मार देता है। देन उसके बाद आप फायर एंड रन इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इसमें आपको करना है कुछ नहीं, पहले तो आपको अपने गन से फायर करना है, फायर करने के बाद आपको रन करना है। जैसे आप रन करने लगोगे आपको अपना जो मिली वेपन है उसके ऊपर तुरंत प्रेस करना है। ऐसा करने से आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी नहीं अटकने लगेगा, और आप मूवमेंट में होने के कारण कोई एनिमी आपको इजीली नहीं मार पाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप फायर एंड रन इस टेक्निक को यूज़ करके अपने मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, अपने हाथ में हमेशा गन लेके दौड़ते हैं, इससे कभी कभार वो किसी घर से गुजर रहते हैं तो देन उस टाइम उनका जो कैरेक्टर है वो अटकने लगता है। तो देन उस टाइम आप कैरोलिन कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो कैरोलिन कैरेक्टर का यूज़ करने से होगा ये कि जब भी आपके हाथ में शॉटगन होगी तो देन उस टाइम आपकी जो मूवमेंट स्पीड होगी वो 8% तक इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उस टाइम आप कैरोलिन कैरेक्टर की वजह से अपने हाथ में शॉटगन होल्ड करके भी अपनी जो मूवमेंट स्पीड है उसे कुछ परसेंट तक इंक्रीज कर सकते हो। मस्त प्लान है। तो देन उसके बाद अभी मैं आपको जिस टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हो और आपको ये वाला वीडियो पसंद आए, तो देन वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सको। तो देन उसके बाद हमारे जो फिफ्थ यानी कि लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं वो है प्ले सीएस एंड ट्रेनिंग मोड। तो बेसिकली इसमें आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग और उसी के साथ साथ क्लैश स्क्वाड के मैचेस खेलना है। और जब भी आप क्लैश स्क्वाड या फिर ट्रेनिंग खेलोगे तो देन उस टाइम आपकी एम एक्यूरेसी और आपकी रिएक्शन टाइम ये दो चीज़ें वर्क होगी,
जिसके मदद से आप अपनी जो मूवमेंट स्पीड है उसे और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने लगोगे। और उसी के साथ साथ अगर आपको अपने मूवमेंट स्पीड को और अच्छे तरीके से इंक्रीज करना है तो आप कम से कम एक वीक में एक बार तो कस्टम खेला करो, क्योंकि कस्टम खेलने से आपकी जो मूवमेंट स्पीड है उसमें आपको और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसमें आपको अपने फ्रेंड के साथ कस्टम खेलना है और आपको हमेशा इसमें वन शॉट की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करने से आपकी मूवमेंट स्पीड तो इंक्रीज होगी लेकिन उसी के साथ साथ आपकी गन स्विचिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अपने गेम प्ले में और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने मूवमेंट स्पीड को बहुत ही ईजी तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बता दिया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। We'll be right back.